भाई स्टीरियो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। आप किसी भी कार में इंस्टॉल करते हैं तो भाई आपका बहुत सारा पैसा सेव होगा। तो एंड्रॉइड हो चुकी है ये फुली डिवाइस, जो कि पहले एंड्रॉइड नहीं थी। आपकी गाड़ी को एक प्रीमियम फील भी देगा। एंड अगर हम क्वालिटी की बात करें तो भाई इसकी क्वालिटी आप देखेंगे, ऑटोबोट्स का एंड्रॉइड AI बॉक्स, नैनो सिम 4G का ऑप्शन मिल जाएगा। ये इंटरफेस आ चुका है ऑटोबोट्स के AI बॉक्स का, साथ ही साथ इसके अंदर आपको एम्बिएंट लाइट का फीचर भी मिल जाएगा। ये डिवाइस इस डिवाइस की वजह से हो चुकी है फुली एंड्रॉइड। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिकम में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस आज अपने पास है ऑटोबोट्स का एंड्रॉइड AI बॉक्स, जो कि हर एक कंपनी स्टीरियो को बनाएगा एंड्रॉइड। मींस जो OEM टाइप स्टीरियो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एंड्रॉइड का इश्यू आता है। आप YouTube नहीं देख पाते, Google मैप नहीं चला पाते, तो उसके लिए एंड्रॉइड AI बॉक्स आ चुका है ऑटोबोट्स की तरफ से। इसमें काफी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं जो कि आप अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग एंड रिव्यू में देखेंगे, और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि भाई स्टीरियो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने टॉप मॉडल कार ली है तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं इस एक AI बॉक्स के माध्यम से। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग एंड रिव्यू, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी कार के अंदर इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये है ऑटोबोट्स का AI बॉक्स, जिसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने कर रहा हूं। आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अमेजिंग है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको एम्बिएंट लाइट का फीचर भी मिल जाएगा। आपको मैं एक बार रोटेट करके दिखा रहा हूं डिवाइस, आप देखेंगे काफी बेहतरीन और यूनिक एंड स्लिम डिवाइस है। इसको हम बोल सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल। तो अभी हम करते हैं भाई अनबॉक्सिंग। ये स्मार्ट डिवाइस की जो पैकेजिंग है वो भी काफी यूनिक है। आप देखेंगे भाई यहाँ पे ऑटोबोट्स की तरफ से जो पैकेजिंग है वो काफी बेहतरीन आपको दिखेगी, और कुछ इस तरीके से ये बॉक्स आ जाता है बाहर। ये प्रोडक्ट काफी स्लिम है, छोटे से स्पेस में कहीं भी रख जाएगा, आपकी गाड़ी को एक प्रीमियम फील भी देगा। एंड अगर हम क्वालिटी की बात करें तो भाई इसकी क्वालिटी आप देखेंगे। रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो भाई रिस्पॉन्स के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो ये है भाई ऑटोबोट्स की स्मार्ट डिवाइस। इसमें आपको इस तरीके की तीन केबल मिलेंगी, इसमें एक C2C, एक USB2C और एक USB2 USB। यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं, जिनको रीड करके आप इसको यूज कर पाएंगे। वैसे ये वीडियो आपने देख लिया तब भी आप इसको इजीली यूज कर पाएंगे। तो अभी हम इसको करते हैं जस्ट प्लग एंड प्ले। ऑटोबोट्स के एंड्रॉइड AI बॉक्स के अंदर आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो है एंड्रॉइड 12। यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे ऑटो ड्राइव 2.0 UI मिल जाएगा, नैनो सिम 4G का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे बुल्ट इन GPS मिल जाएगा, HDMI आउट आपको देखने को मिलेगा 8GB 128GB में। तो भाई अभी हम ये AI बॉक्स अल्काइजर के ये कंपनी फिटेड स्टीरियो के साथ लगा रहे हैं, जिसके अंदर अभी एंड्रॉइड का फीचर नहीं है। मीन्स आप डायरेक्ट YouTube वगैरह नहीं चला सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो स्विच है सी टाइप, उसमें इसको कनेक्ट किया और जस्ट ये USB स्लॉट के अंदर प्लग किया हमने। ये जैसे ही हम प्लग करेंगे ये ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको कुछ भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। ये एम्बिएंट लाइट भी इसकी वर्क करती है, आप देख सकते हैं ऑटोबोट्स जो लिखा हुआ है, ब्रांडिंग है, उस पर भी लाइट आपको देखने को मिलेगी, और ये ऑटोमेटिक रीड करेगा। आप देखेंगे रीडिंग USB डिवाइस। अभी ये रीड करने के बाद आपका एम्बिएंट का फीचर भी इसके अंदर आ जाएगा, जिससे ये कलर भी आप चेंज कर पाएंगे। तो एंड्रॉइड हो चुकी है ये फुली डिवाइस, जो कि पहले एंड्रॉइड नहीं थी। फुली लोडेड डिवाइस है ये, जो कि आपके किसी भी OEM स्टीरियो को कर देगी एंड्रॉइड। तो अभी देखिए स्टार्टिंग ये वर्क करने लगा है, और ये इंटरफेस आ चुका है ऑटोबोट्स के AI बॉक्स का, जिसमें आप सारे फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे, जैसे YouTube, YT स्टूडियो, Netflix, Play Store, Prime Video एंड ये सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं सिंगल डिवाइस के थ्रू। यहाँ पे आप एम्बिएंट भी कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे हमने एम्बिएंट पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें आप देखेंगे ये कलर भी चेंज होते हुए दिखेंगे। ये देखो ये सारे कलर्स भाई चेंज हो रहे हैं। तो ये काफी अमेजिंग फीचर है, जो कि आप लगा सकते हैं एक प्रीमियम फील के लिए और एडवांस फीचर्स के लिए। इस AI बॉक्स के अंदर सिम स्लॉट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो वही सिम का भी ऑप्शन है। इस जगह आप सिम भी डाल सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, जिससे कुछ ऑफलाइन अगर आप स्टोर कर रहे हैं तब भी आराम से इसमें स्टोर कर पाएं। बेसिकली ये डिवाइस 8/128GB है, तो ये काफी अमेजिंग डिवाइस है। आप देखिए ये कितनी स्मूथली काम कर रही है, इसका टच वगैरह प्रॉपर आप देखेंगे एकदम प्रॉपर OEM वाला फील देगा। कलर करेक्शन आप कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रीथिंग एंड यहाँ पे स्क्रेंटल म्यूजिक के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं सिलेक्ट, जिसमें आप अकॉर्डिंग टू म्यूजिक इसको सुन
सुन पाएंगे, सारे फीचर्स आपको इस एम्बिएंट लाइट में देखने को मिल जाते हैं। तो आपने देखा कितना इजी है इस एंड्रॉइड एआई बॉक्स को ओईएम स्टीरियो से कनेक्ट करना। मींस आपको आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड लेने की जरूरत नहीं है, इस डिवाइस को लगा के आप प्रॉपर एंड्रॉइड का फील ले सकते हैं। इवन सिम डाल के आपको हॉटस्पॉट जो कनेक्ट करने का इशू आता है एंड्रॉइड में, वो भी खत्म। ऑटोबोट्स ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आ चुका है मार्केट में जिनकी डिमांड डे बाई डे बढ़ रही है। तो इसको हम बोलेंगे पीएसपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, जो कि आप ओईएम स्टीरियो को एंड्रॉइड में कन्वर्ट करने के लिए लगा सकते हैं विदाउट एनी वायर कट, विदाउट स्टीरियो चेंज। तो ये डिवाइस काफी स्मार्ट है। अब आप बताओ कि आप किस कार के ओईएम स्टीरियो को एंड्रॉइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाकी ये डिवाइस मिल जाएगी नियरेस्ट कार एक्सेसरी शॉप पे। अगर आपको ये डिवाइस कहीं नहीं मिलती तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके भी ये ऑर्डर कर पाएंगे।